D is the point on BC, side BC of a triangle ABC, such that ADC is equals to BAC. So that CA square equals to CB into CD. Yeh mere paas ABC triangle and D is the point on BC. DD, a point is such that ADC angle or BAC, ADC, ये एंगल अल्फा है तो बी ए सी ये भी एंगल क्या है अल्फा है ये दिया गया है मुझे सो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी सी ए स्क्वायर कौन है भाई सी ए ये इसका स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी सी बी कहाँ है सी बी इंटू सी डी तो सी ए स्क्वायर अपॉन सी बी सी ए अपॉन सी बी is equals to mere paas kya hai cd upon ca aisa bhi keh sakta hu cd upon ca okay now focus here agar main is problem mein aage jata hu to dhyan se dekhna d is the point on kaise kiya jaye agar main kaise kiya jaye ca dadc adc is equals to BAC. ये दोनों एंगल मेरे पास सेम है और कुछ नहीं दिया है D is the point on BC. तो अगर हम इसमें फोकस करें CA square, ये मेरे पास ये अल्फा है ये सी है ये अल्फा है ये सी है और ये एंगल कितना आएगा ये आएगा पाई माइनस अल्फा ये एंगल कितना आएगा एंगल दे रखे हैं वो क्या ए डी सी इक्वल्स टू बी ए सी है ये पूरा एंगल है भाई अल्फा ये ए है मेरे पास तो अगर ये ए हुआ और ये सी है तो ये वाला एंगल कितना आ गया बी आ गया तो इट्स वेरी सिंपल इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं ध्यान से देखिए इसमें ऐसा नहीं है कुछ अगर मैं डी सी डी सी ए ट्राइंगल की बात करूं डी सी ए तो इसके जो एंगल्स हैं डी सी ट्राइंगल डी सी ए तो ये ए है ये सी है ये बी है तो ए है तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगा किसके ट्राइंगल के ध्यान से देखिए ए ए ये ए वाला एंगल ले रहा हूं ए और ये क्या है सी सी बी इसके सिमिलर हो जाएगा तीनों के तीनों एंगल सेम है ध्यान से देखिए ये सी दिया ही है ये दोनों इक्वल दिए हैं ये ए है तो ये भी ए होगा और ये क्या है मेरे पास अल्फा है तो अल्फा होगा तो और ये भी है ये ओके तो नाउ ये सिमिलर होंगे तो ए के अपोजिट की साइड कौन सी है ए के अपोजिट की साइड है ए सी इस छोटे ट्राइंगल में और बड़े में क्या है ए सी अपॉन बी सी सी के अपोजिट की कौन सी है ए डी बड़े में कौन सी है भाई बड़े में सी के अपोजिट की ए बी और बी के अपोजिट की कितनी है छोटे में बी 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 के सी डी अपॉन बड़े में कितनी है ए सी तो ये मेरे पास आ गया और सिंपली ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बी सी इंटू सी डी ओके तो जो इंफॉर्मेशन दिए पहले मैंने गलत जज किया था गलत पढ़ा था दैट्स वाई पंगा फंस गया लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन दी है इसके हिसाब से क्लियर कट से इन ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा का जो ट्राइंगल है इस सीक्वेंस में ये दोनों के दोनों सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होता है सिमिलर बनना है और ये दोनों के दोनों सिमिलर बनेंगे तो तीनों एंगल सेम आ गए तो इसका मतलब दोनों सिमिलर हो गए और साइड्स के रेशियो जैसे ही मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो ए सी सी ए स्क्वायर इक्वल टू 11 सी बी इंटू सी डी और मुझे लगता है ये समझ में आ गया ओके okay?